महाभारत पर्व सुनाएंगे, महाभारत पर्व सुनाएंगे। भरी सभा में द्रौपदी का आज खिंचता चीर दिखाएंगे। घड़ुआ बेंजू और नकारा अलग अलग बजवाएंगे, अलग अलग बजवाएंगे। ऋषि पाल को सिंदर दोनों अपनी धुन में गाएंगे। हमारे अजीज और करीब श्रोताओं, आज आपके बीच में पेश है महाभारत का महत्वपूर्ण पर्व द्रौपदी चीरहरण। दोस्तों, इंद्रप्रस्थ के महल में जो राजसू यज्ञ पांडवों ने कराया था, दुर्योधन का अपमान हो गया उसमें, और दुर्योधन के दिल में वो द्रौपदी के बोल अंधे के अंधे ही रहे। जखम बनाए हुए थे, मामा शकुनी से कहा, मामा जी ये अपमान मुझसे सहन नहीं हो रहा है। समय गुजरता गया और मामा शकुनी ने सलाह दी, दुर्योधन एक सभा भवन का निर्माण किया जाए और उसमें पांडवों को आमंत्रित किया जाए और मनोरंजन हो, मनोरंजन में जुए का खेल होना चाहिए। पासे मैं फेंकूंगा और पांडवों को पूरी तरह से हराऊंगा। पांडवों को बहकाकर द्रौपदी को दाव पर रखवा देंगे और जब पांडव द्रौपदी को विहार जाएंगे तो उसे भरी सभा में नगन नचाया जाएगा। साथियों, सभा भवन का निर्माण हो गया और मामा शकुनी ने कहा, दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र से कह दो कि मैं पांडवों के साथ इस खुशी में जुआ खेलना चाहता हूं। मेहरबानो, बोल सुने धृतराष्ट्र ने और दिल में एकदम ठेस लगी। सोचते रहे, विदुर को बुलाया और न्यू कहने लगे, भैया विदुर, मैं तुमसे एक सलाह लेना चाहता हूं। तो कैसे? झंझट में बिदुरी मन दे सलाह, सू थारी खातर तावेदार में, सू थारी खातर तावेदार में। ओ पड़ा झंझट में बिदुरी मन दे सलाह, थारी खातर तावेदार में, सू थारी खातर तावेदार में। सभा भवन बना हस्तनापुर में, खुशी का मौका आया, खुशी का मौका आया। मेरे लायक
काम हो राजन जागा हुक्म बजाया, जागा हुक्म बजाया। चकराया काटी ना जारी मेरे पे बला, सू हाजिर नाजिर तैयार में, सू थारी खातर आवेदार में। ओ पड़ा झंझट में बिदुरी मने दे सलाह, सू थारी खातर तावेदार में, सू थारी खातर तावेदार में। दुर्योधन पांचों पांडवों ने घरा बुलाना चारा से, इब घरा बुलाना चारा से। कोई बात नहीं राजन यो ते टेम सुहाना, आर्या से टेम सुहाना आर्या से। दुर्योधन पांचों पांडवों ने घरा बुलाना चारा से, यो घरा बुलाना चारा से। कोई बात नहीं राजन यो ते टेम सुहाना, आर्या से टेम सुहाना आर्या से। जुआ खिलाना चारा से मेरे गले में घल्या, मत डूबो राजन सुत के प्यार में, सू थारी खातर तावेदार में। हो पड़ा झंझट में बिदुरी मने दे सलाह, सू थारी खातर तावेदार में, सू थारी खातर तावेदार में। नहीं मान रहा जिद कर रहा, इब क्यों करे उसे मनाया जा, इब क्यों करे उसे मनाया जा। खेल जुए का बुरा जगत में अच्छी ढब समझाया जा, उसे अच्छी ढब समझाया जा। मन चाहा करना चाहे चुके प्यार में पड़ा, ओ नाश वंश का जीत हार में, सू थारी खातर तावेदार में। हे पड़ा झंझट में बिदुरी मने दे सलाह, सू थारी खातर तावेदार में, सू थारी खातर तावेदार में। कहरा जुआ हाँ, अरे कहरा जुआ खेलू या करी आत्मघात मर जाऊंगा, आत्मघात मर जाऊंगा। नहीं सुनी के राजन में तमें नल की कथा सुनाऊंगा, उस नल की कथा सुनाऊंगा। गाऊंगा ऋषि पार सरस्वती करेगी भला, को सिंदर लागे बेड़ा पार में, सू थारी खातर तावेदार में। ओ पड़ा झंझट में बिदुरी मने दे सलाह, सू थारी खातर तावेदार में, सू थारी खातर तावेदार में। No.
पहरवानों, विदुर से कहा गया, विदुर तुम पांडवों के पास चले जाओ और उन्हें ये बुलावा दे के आओ कि तुम्हें हस्तनापुर राज दरबार में बुलाया गया है। मेहरबानों, विदुर भक्त चल देते हैं, पांडवों के पास पहुंच गए और कहा तुम्हें हस्तनापुर बुलाया गया है, लेकिन बहुत बड़ी जालसाजी की गई है, तुम्हें जुआ खिलाया जाएगा और हराया भी जाएगा। तो कहा धर्मराज ने, अगर आपने अपना फर्ज निभाया है तो फिर हम एक राजा के आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। कहा विदुर ने, मेरी बात तो सुनो, और धर्म राज ना काम वहां पे और नहीं और कोई धंधा, तमें फसावण फैलाया से बेईमानी का फंदा। धर्म राज ना काम वहां पर और नहीं कोई धंधा, तमें फसावण फैलाया से बेईमानी का धंधा। थारी देख तराकी ने वो दुर्योधन घना जल रहा, ये शकुनी की बात में आके पापी घना वो छल रहा। कई रोज ते पापी अपने बाप के गल में घल रहा, उस अंधे पे नीच निकम्मे का ही जादू चल रहा। अरे अब लो आखा का अंधा, अब होया अकल का अंधा, तमें फसावण फैलाया से बेईमानी का फंदा। अरे रोना पीटना करके उसने करया भाई को राजी, करण दुशासन शकुनी तीनों करते हाजी हाजी। भीष्म जी ने बहुत कहा पर को ना मान पाजी, तमें बुला के करना चाहते छलिया जुआ बाजी। अरे मन्ने भाई को समझाया था, मन्ने भाई को समझाया था, जो तो खेल जुए का गंदा, तमें फसावण खेलाया से बेईमानी का फंदा। Thank you.
समझ भलाई धर्म राज में बन हलकार आया समय बुला के हस्तनापुर में जागा जुआ खिलाया। किसी को आवट मत करना जो मैंने भेद बताया तमें फसाने की खातर वहां इंद्र जाल फलाया। अरे वहां जाते ही कदी धर्म फिर जाया अकल पे रंदा तमें फसावन एलाया से बेईमानी का फंदा। आज का दिन ता चालन का से कल ने रहेंगे ठाली इसलिए जल्दी चलना पंचों साथ में ले पांचाली। जुआ खेलने का दिन रखा गया है शुभ दिवाली कुरुवंश पे घूम रही से हटानाश की काली। जो खेले तम जुआ धर्म हाँ जो खेले तम जुआ धर्म बंध जागा गजब पुलंदा समय फसावन फैलाया से बेईमानी का फंदा। धर्म राज ना काम वहाँ पर नहीं और कोई धंधा तमें फसावन फैलाया से यो बेईमानी का फंदा। साथियों पांडव द्रौपदी सहित हस्तनापुर में आ गए। क्या देखा? राज दरबार जुड़ा हुआ था। चौपड़ सार बिछाई और पांडवों से जुआ खेलने की अपील की गई। आज तो धर्मराज ने इनकार नहीं किया, चौपड़ सार पर बैठ गए। किस तरह से दोस्तों आज जुए की बाजी लगनी शुरू हो गई, सुनेंगे श्रागनी में। हो भरा हस्तनापुरी दरबार चौपड़ सार बिछाई बैठ गए सब खेल में भरा हस्तनापुरी दरबार चौपड़ सार बिछाई बैठ गए सब खेल में।
रात पहली बाजी रत्नों की फिर सोने चांदी के जवाहरात तीजी में रत घोड़े धर दिए पांडव धो के बैठे हाथ हो पांडव की बिगड़ी बात बिन मौत मरे आज पांडव झूठे मेल में भरा हस्तनापुर दरबार चौपड़ सारे बिछाई बैठ गए सब खेल में चौथा दाब रौनक उड़गी धर्मराज की न्यू सोचे हो गया अन्याय सब धन माल पराया हो गया होया नहीं कुछ मोल भाव बिगाड़े गई सब जन पहिए की रेल में भरा हस्तनापुर दरबार चौपड़ सार बिछाई बैठ गए सब खेल में कुछ भी बाकी नहीं रहा हुए दाने दाने को मोहताज ज्वारी नाम धरा लिया मने सूखे गायब सभी समाज हो के भाई कहे बाती कदी बीन तेल के जुड़ा हस्तनापुर दरबार चौपड़ सार बिछाई बैठ गए सब खेल में करीना पीत शकुनी ने आज मार के पासे छलते बाजी लई जीत मामा शकुनी छल कर गे पांडो की गला करी अनीत हो यो ऋषि पाल कैसी रीत पांडो ने
पर सारे बिछाई बैठ गए सब खेल में। मेहरबानों, जुए के खेल में सबसे पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के कोशों की, और फिर घोड़े रथों की, इसके बाद नौकर चाकरों की, और फिर सारी सेना की। साथियों, आज तो राज की बाजी भी हार गए, और साथ में दाव में धर्मराज स्वयं अपने चारों भाइयों को और स्वयं अपने तन को जुए में हार गए। मेहरबानों, मामा शकुनी कहने लगे, धर्मराज अगर और कोई दौलत तुम्हारे पास है तो आखिरी दाव आजमा के देख लो। कहने लगे धर्मराज, आखिर में एक मौका से जो चाहो किस्मत अजमाना, हार गए सब चीज जुए में पास न ढलियाना, आखिर में एक मौका जो चाहो किस्मत अजमाना, हार गए हर चीज जुए में पास न ढलियाना। बैठा सब जितवा के कर ले याद रहा कुछ बैठे चौपड़ सार बिछा के, इंद्रप्रस्थ का राज हार गए हसनापुर में आके, देखो किस्मत अजमा के तम, देखो किस्मत अजमा के जो रही और कोई चाहना। मामा जी कंगाल हुए जुए का मिला बहाना, जीवन की कष्ट कमाई, कद फिर जा जीत धर्म यो गम की बने दवाई, राजपाट धन माल खजाना धोरे नायक पाई, अगर समाई हो ए धर्म जो, अगर समाई हो ए धर्म मो कायो फिर नया के मेरे पे रह गया बस लोग हसाना।
आया। कौन सी चीज रही बाकी जिब से हार गे काया। पड़े बताई धर्म मन के नहीं ध्यान में आया। मम्मा जी इब मारे धोरे रही कौन सी माया। मन चाहा हो एक दाब में, मन चाहा हो एक दाब में वापस माल खजाना। मम्मा जी के जीत फिरे जिब सब कुछ हुआ बिराना। किस्मत अजमावण खातरी अभी रहरी से पांचाली। शकुनी के सुन बोल धर्म ने नीची नारी झुकाली। धरो दाव पे नारी ने के कर रे देखा भाली। होनी मारी हार आज तकदीर खूब अजमाली। दिन यो शुभ दिवाली का, दिन यो शुभ दिवाली का तू ऋषि पाल समझाना। आज द्रौपदी चीर हरण का को सुंदर होया गाना। आखिर में एक मौका से चाहो किस्मत अजमाना। हम हार गए हर तीजुए में पास न धेलियाना। आज तो धर्मराज की मति भंग होगी। जैसे ही मामा शकुनी ने कहा, धर्म अभी एक दौलत बाकी है तुम्हारी अर्धंगी द्रौपदी, उसको दांव पे धर के देखो। और यह दांव ऐसा होगा कि अगर इस दांव में तुम जीत गए तो अब तक हारे हुए माल को तुम वापिस ले लोगे। मेहरबानो, आखिरी दाम में पंचाली को रख दिया और आज तो पांडव द्रौपदी सहित पराये हो गए, द्रौपदी को भी हार गए। साथियों, दुशासन के खुशी के ठिकाने नहीं थे। उसके बड़े भाई दुर्योधन ने कहा, चचा विदुर तुम एक काम करो, द्रौपदी को मेरी सभा में ले आओ। कहा, एक अम्बक ये विदुर का धर्म नहीं, मैं नहीं जा सकता। कहा, विकर्ण देख क्या रहे हो, द्रौपदी हमारी दासी हो चुकी, उसे बुला के मेरे राज दरबार में ले आओ। जैसे ही विकर्ण पहुंचे तो किस तरह से द्रौपदी ने कहा, हर जाए पाछे कदी फेर आबरू
रयाती ना देखी कदी कागा की गैल हंसनी जाती ना देखी हंसनी जाती ना देखी जाए पाछे तेरी आबरू रयाती ना देखी कदी कागा की गैल हंसनी जाती ना देखी हंसनी जाती ना देखी मोती छोड़ हंसनी कम करी खाती ना देखी कदी कागा की गैल हंसनी जाती ना देखी हंसनी जाती ना देखी पाछे तेल जलती रबती ना देखी कदी कागा की गैल हंसनी जाती ना देखी हंसनी जाती ना देखी सभा में मल बुलाल रउस की छाती ना देखी कदी कागा की गैल हंसनी जाती ना देखी हंसनी जाती ना देखी समझावे कविता करी रघुनाथ बतावे सब दिन दुखी सुख चाहवे दुख ने छाती ना देखी कदी कागा की गैल हंसनी जाती ना देखी हंसनी जाती ना देखी जाए पाछे फेरी आबरू कदी आती ना देखी
कदी का गा के गला हांसी जाति ना देखी कदी भी जाति ना देखी। द्रौपदी पांचों पांडव स्वयं आपा हार चुके और आखिरी दाम में तुम्हें भी दाव पर रख दिया। आज तुम कौरवों की दासी हो चुकी हो, तुम्हें हमारा कहना तो आज मानना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, किस तरह के बोल लिखे हैं? मेरी गैल चलिए भाभी, मेरे भाई ने बुलवाई, तू मने बुलावन क्यों आया ना मेरी समझ में आई। मेरी गैल चली ये भाभी, मेरे भाई ने बुलवाई, मने बुलावन क्यों आया ना मेरी समझ में आई। आज भाभी तुम्हें बेरा पड़ जाएगा। अच्छा हाँ। देख खूब समझ में आ जागी से अकलमंद तू सियानी, हंस के मत बोल देवर सू सती वीर छतरानी, वार करे मत पंचाली हमें घड़ी हाथ ना आनी, जाने ते पहले देवर तले पड़ेगी बात बतानी, नादानी मत करे द्रौपदी, नादानी मत करे द्रौपदी, इसी में तेरी भलाई। बुझण में के हर जासे मले कर दी कौन बुराई, भले का जिक्र छोड़ तने जाना पड़े जरूरी, अरे जाने के काबिल कौन आयो मेरी से मजबूरी, जुड़ी हुई नजदीक सभा कोई खास नहीं से दूरी, जो सोला का बेस मेरा यो से शर्म हजूरी, बात अधूरी मत करिए री, बात अधूरी मत करिए। अच्छा नहीं होगी लोग हसाई, ए लोग हसाई क्यों होगी सू पांच पति की ब्याही। मेरी गैल चली ये भाभी, मेरे भाई ने बुलवाई, मने बुलावन क्यों आया ना मेरी समझ में आई। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं जले, रहने दे यो नहीं जलने वाले बल, द्रौपदी समय पिछाड़ ले।
ने हार गे हारे पांडव सारे। अरे कौन हार गया मन भी कानून कौन से न्यारे। सभा में जाके बेरा पटे कौरव तने बुलारे। हारे हुए मैं हक को ना कैसे मन जुए में हारे। सभा बीच में बुलवारे री सभा बीच में बुलवारे हो कैरा की मल चाही। ऐसा लाग भरत वंश पे घड़ी नाश की छाई। मेरी गैल चली ये भाभी मेरे भैया ने बुलवाई। तू मने बुलावण क्यों आया ना मेरी समझ में आई। घड़ी नाश की किस पे छाई बेरा पटे जाके। लकड़ महल से बाहर जाल में जागा मुंह की खाके। चाल मेरी गैल्या भाभी मैं तो कह रहा सू समझा के। जिंदा तने नहीं छोड़े जो ल्याए मन बहाके। अरे अजमा के देखी जागीरी अजमा के देखी जागी चल हस्तनापुर की राही। शिशिपाल को सुंदर ने दो चश्मी रागनी गाई। मेरी गैल चली ये भाभी मेरे भाई ने बुलवाई। मने बुलावण क्यों आया ना सरी समझ में आई। बंधुओं विकर्ण ने जैसे ही कहा तुम्हें हस्तनापुर भरी सभा में बुलवाया गया है। तुम कौरवों की हो चुकी हो। कहा मैं सतीवीर हूं मैं नहीं जा सकती। मुझे ले जाने वाला पर जो पांडवों के अलावा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। साथियों विकर्ण वापिस आ गए और कहा भाई दुर्योधन द्रौपदी ने इनकार कर दिया सभा में आने के लिए। दुर्योधन के क्रोध का ठिकाना न रहा आग बबूल हो उठा। कहा ए दुशासन देख क्या रहे हो एकदम के चले जाओ और द्रौपदी के केस पकड़ के मेरी भरी सभा में ले आओ। एक द्रौपदी और हम एक स्वयं भाई आज गंधारी का दूध लगा दिया चिनी चिलाई ढादी और एक पांडव की अर्धंगी ने मेरी फूटी आंख बता दी। मुझे अंधे का अंधा कह गई थी वो पंचाली। आज मैं उसे भरी सभा में नगन नचाऊंगा। जल्दी से चले जाओ। दोस्तों दुशासन देर नहीं करता है और जैसे ही उसके केस पकड़ के खींचना चाहता था द्रौपदी आगे आगे दौड़ने लगती है। उसकी करुणा भरी आवाज आज तो आसमान को छू रही थी। गंधारी उसके बोलों को सुनकर के दोस्तों नजदीक आ जाती है और गंधारी इस हाल को देख करके दुशासन के हाथों में द्रौपदी के केस थे यूं कहने लगी हाँ
अरे सपने में हो गया गजब आज, पास नाश की घड़ी लगी, मैं पड़ी पलंग पे सोवे थी बेरी, सपने की घड़ी लगी, सपने में हो गया गजब आज, पास नाश की घड़ी लगी, पड़ी पलंग पे सोवे थी बेरी, सपने की घड़ी लगी। एक लंबी सी शमशीर लिए तम पैर रहे पोशाक नहीं अरी, खड़े हाथ में तीर लिए एक हस्तनापुरी बरात चली, खाना खाया बिन नीर पिए तम कुंती और माद्री का सब, खड़े हाथ में तीर लिए ए बिदुर भगत गंभीर ये गिर गए गदायक कड़ी लगी, मैं पड़ी पलंग पे सोवे थी बेरी, सपने की घड़ी लगी, सभा में तरह तरह कर रे बंदे, सिंहासन पे ताल बना गए डूब जाल में वे फंदे, महला में छा गया अंधेरा भूत कूद रे ना खंदे, हाड़ मास के बिकरे धंधे, हाड़ मास के बिकरे धंधे, घर एक मंडी बड़ी लगी, मैं पड़ी पलंग पे सोवे थी बेरी, सपने की घड़ी।